सो गाइज, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 10,000 से कम के बजट के स्मार्टफोन्स को और देखेंगे कि इसमें से आपके लिए परफेक्ट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त महीने के अंदर भी आपको काफी सारे नए स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने को मिले और अगर आप 10,000 रुपए में एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो काफी सारे ऑप्शन मार्केट में फिलहाल अवेलेबल हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको 10,000 रुपए के बजट में कौन सा सबसे अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा आपकी नीड के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेगा, तो इस वीडियो में आपको काफी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो स्वागत आप सबका टेक लीवर पे। जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि आप स्मार्टफोन को सबसे ज्यादा किस चीज के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जितने भी 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक के बजट के स्मार्टफोन्स हैं उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि सभी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा सबसे परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की सबसे पहले सैमसंग के स्मार्टफोन से। तो फिलहाल सैमसंग का सिर्फ एक ही स्मार्टफोन इस बजट के अंदर अवेलेबल है जो कि है गैलेक्सी M01। ये स्मार्टफोन आपको 8,500 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन ये स्मार्टफोन सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए है जिनको कि एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है। ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई खास स्पेक्स देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आपको एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अलावा 4000mAh की बैटरी दी गई है, 13 MP का ड्यूअल कैमरा है, 5 MP का फ्रंट कैमरा है। लेकिन दोस्तों अगर आप सैमसंग का ही स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो M11 की तरफ जाइए जो कि आपको अराउंड 11,000 के आसपास पड़ेगा, लेकिन काफी अच्छा ऑप्शन है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस स्मार्टफोन से। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली आपको मैक्सिमम चाइनीज स्मार्टफोन के ही ऑप्शन 10,000 रुपए में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें से परफेक्ट आपके लिए कौन सा रहेगा। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन्स के बारे में। तो 8 से 10,000 रुपए के बीच में रियलमी के आपको 3 मेन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है नार्जो 10A स्मार्टफोन, दूसरा है रियलमी C12 और थर्ड है रियलमी C15। इसमें C12 को हम लिस्ट से निकाल देते हैं, 9,000 रुपए का ये अवेलेबल है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन है C15। तो सबसे पहले बात करते हैं नार्जो 10A स्मार्टफोन के बारे में। जो नार्जो 10A स्मार्टफोन है यहाँ पे आपको 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अलावा 12 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। यहाँ पे 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ MediaTek Helio G70 चिपसेट दिया गया है जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस बजट में प्रोवाइड करवा देगा। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको एक 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिवर्स चार्जिंग वगैरह के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक ठाक ऑप्शन है अगर हम बात करते हैं 10,000 रुपए के बजट में। लेकिन अगर आपको रियलमी का ही स्मार्टफोन लेना है तो आपको C15 को कंसिडर करना चाहिए। C15 भी आपको 10,000 रुपए के बजट में देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सेम टाइप की एक डिस्प्ले जो कि 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले है। इसके अलावा 13 MP का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 8 MP का फ्रंट कैमरा है। तो कैमरा के मामले में नार्जो 10A से अच्छा स्मार्टफोन ये होगा। इसके अलावा आपको MediaTek Helio G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है और 10,000 रुपए में आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज दी गई है। ये डेफिनेटली थोड़ी कम है, यहाँ पे 4GB वाला वेरियंट 10,000 रुपए में आना चाहिए था, तब जाके ये अच्छा कंपटीशन होता बाकी स्मार्टफोन्स के लिए। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको एक 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि काफी कमाल की बात है और 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको काफी बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो रियलमी C15 आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों रियलमी के स्मार्टफोन से काफी अच्छे ऑप्शन फिलहाल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको इनको अवॉइड करना चाहिए अगर आपका बजट है 10,000 रुपए। तो सैमसंग और रियलमी के बाद बात करते हैं दोस्तों मोटरोला की। तो मोटरोला की तरफ से आपको G8 पावर लाइट स्मार्टफोन देखने को मिलता है 10,000 रुपए के बजट में और ये भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है। इस स्मार्टफोन में भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले और यहाँ पे आपको 16 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे 8 MP का फ्रंट कैमरा है, 5000mAh की बैटरी दी गई है और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो MediaTek Helio P35 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि डेफिनेटली अपग्रेड हो सकता था। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा 10,000 रुपए में, तो ये काफी अच्छी बात है। ये स्मार्टफोन सिर्फ एक पर्पज के लिए अच्छा है दोस्तों कि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, अदरवाइज इससे काफी अच्छे ऑप्शन आपको 10,000 रुपए में देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्मार्टफोन भी अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तभी लेना चाहिए, अदरवाइज आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड ही लेना है तो नोकिया का ऑप्शन भी अवेलेबल है और यहाँ पे आपको नोकिया 2.3 स्मार्टफोन देखने को मिलता है 8,500 रुपए के आसपास, लेकिन ये भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। और अगर स्पेक्स की बात करते हैं तो बिल्कुल भी कंपटीशन के मामले में नोकिया का ये स्मार्टफोन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक नोकिया की ब्रांड वैल्यू देखने को मिलेगी और स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस, अदरवाइज ये स्मार्टफोन भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स के बारे में। इन्फिनिक्स की तरफ से काफी अच्छा पैकेज आपको देखने को मिलता है 10,000 रुपए में। यहाँ पे इन्फिनिक्स होट 9 सीरीज आती है दोस्तों जो कि दो स्मार्टफोन लेके आती है। इसमें पहला स्मार्टफोन है होट 9 और दूसरा है इसका प्रो वेरिएंट। जो होट 9 स्मार्टफोन है वो आपको 9,500 रुपए में देखने को मिलेगा और जो इसका प्रो वेरिएंट है वो 10,500 रुपए में अवेलेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 500 रुपए यहाँ पे लगा के आप होट 9 प्रो की तरफ जाइए क्योंकि इसके अंदर आपको काफी अच्छी स्पेक्स देखने को मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको पंच होल का डिजाइन देखने को मिलता है जो कि दिखने में काफी स्टाइलिश लगता है। जो सेकंड स्मार्टफोन की हाईलाइट है वो है इसका कैमरा
सेटअप। यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। 48 मेगापिक्सल के कैमरा वाला पहला स्मार्टफोन है ये 10,000 रुपए के बजट में। इसके अलावा फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो स्मार्टफोन की डाउन साइड है वो इसका प्रोसेसर, यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो P22 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली अपग्रेड हो सकता था और काफी अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे दिया जा सकता था। हालांकि स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगी, तो ये काफी अच्छी बात है। तो कैमरा वाइज एक अच्छा स्मार्टफोन है, इसके अलावा पंच होल वाला डिस्प्ले है तो थोड़ा स्टाइलिश ये स्मार्टफोन लगता है। अगर आप थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं दोस्तों, तो इन्फिनिक्स की तरफ से नोट 7 सीरीज होपफुली इस मंथ इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, तो आपको डेफिनेटली उसका वेट करना चाहिए, वहां पे आपको काफी अच्छा पैकेज देखने को मिल सकता है। इन्फिनिक्स की तरह दोस्तों एक और कंपनी है टेक्नो, जिसके काफी अच्छे स्मार्टफोन आपको इस मार्केट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टेक्नो की तरफ से दो स्मार्टफोन है, जिसमें से पहला स्मार्टफोन है टेक्नो स्पार्क पावर 2। ये स्मार्टफोन 10,000 रुपए के बजट में अवेलेबल है और इसके अंदर आपको सबसे बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 7 इंच की डिस्प्ले है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 7 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, तो अगर आप वीडियो वगैरह ज्यादा देखते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एक 6000 mAh की काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। तो अगर आप ज्यादा वीडियो वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं अपने स्मार्टफोन में, तो एक बड़ी डिस्प्ले और एक बड़ी बैटरी जरूरी है, और ये दोनों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे भी आपको मीडियाटेक हीलियो P22 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि अपग्रेड हो सकता था। इस स्मार्टफोन में भी आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। टेक्नो की तरफ से एक और स्मार्टफोन आता है दोस्तों, जो कि है टेक्नो स्पार्क 6 एयर। ये स्मार्टफोन आपको 8,500 रुपए में देखने को मिलेगा, और इसमें भी आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन ये स्मार्टफोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है, इसके अलावा काफी लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। टेक्नो की तरफ से आपको अगर स्मार्टफोन लेना है तो स्पार्क पावर 2 अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बड़ी डिस्प्ले, एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और एक ठीक ठाक कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। टेक्नो के बाद बात करते हैं रेडमी के बारे में, तो रेडमी के यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें कि पहला है रेडमी 9 और दूसरा है रेडमी 9 प्राइम। रेडमी 9 स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपए में मिलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 10,000 रुपए में रेडमी 9 प्राइम की तरफ जाइए। रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन दोस्तों एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए 10,000 रुपए में, अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे 6.5 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि बाकी स्मार्टफोन ऑफर नहीं करते। तो फुल HD+ डिस्प्ले काफी अच्छी हो जाती है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं HD डिस्प्ले के साथ में, और काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। जो सेकंड हाईलाइट है इस स्मार्टफोन की, वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो G80 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम स्मार्टफोन से आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा इसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। और इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी। अगर कैमराज की बात करें तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करवा देगा, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए दोस्तों 10,000 रुपए में, तो रेडमी 9 प्राइम एक अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। एक अच्छी डिस्प्ले है यहाँ पे, एक अच्छा प्रोसेसर है, एक ठीक ठाक कैमरा सेटअप है, और एक बड़ी बैटरी दी गई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन आपको कंसिडर करना चाहिए 10,000 रुपए के बजट में। ये रियलमी के स्मार्टफोन से अच्छा है, सैमसंग के स्मार्टफोन से भी आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी स्पेक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन है उनसे अच्छा पैकेज ये हो जाता है। इसके अलावा कुछ और स्मार्टफोन्स भी इस बजट में आते हैं, फॉर एग्जांपल ओनर 9A स्मार्टफोन है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे आपको गूगल सर्विसेज देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा ओप्पो वीवो वगैरह के भी स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई खास स्पेक्स इस बजट में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको चाइनीज स्मार्टफोन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आपको रेडमी 9 प्राइम स्मार्टफोन यहाँ पे देखना चाहिए, सबसे बेस्ट पैकेज ये इस बजट में हो जाता है। अगर आपको चाइनीज स्मार्टफोन नहीं लेना, तो आप सैमसंग की तरफ जाइए और M11 स्मार्टफोन ले लीजिए 11,000 रुपए में। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ठीक ठाक स्पेक्स आपको उस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगी। आप हमें बताइए दोस्तों कि आपको सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगता है 10,000 रुपए के बजट में, और किस स्मार्टफोन का आप इस बजट में वेट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी टेक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।